रतलाम में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के समय नाटकीय तरीके से गायब हुआ गढ़ावदिया पंचायत का सरपंच उम्मीदवार धूल जी गरवाल अब चुनाव जीत चुका है। धूल जी ने लापता रहते हुए ही गांव की सरपंची मतदान के एक रात पहले ही झगड़े के डर से धूल जी गांव छोड़कर चला गया था, लेकिन जब वो लौटा तो मतगणना में उसे सबसे अधिक वोट मिले। धूल जी गरवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 240 वोटों से मात दे चुका है। सरपंच का चुनाव जीतने के बाद गांव पहुंचे धूल जी को परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। वहीं गायब होकर चुनाव जीतने वाले धूल जी का कहना है कि उनके सहयोगियों के साथ विपक्षी सरपंच उम्मीदवार ने मारपीट कर दी थी, जिसकी शिकायत वो साथियों के साथ रावटी थाने गया था, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण वो घबरा गया और गाँव छोड़कर पहले रतलाम और फिर राजस्थान के सांवरिया जी चला गया। दरअसल 1 जुलाई को गढ़ावदिया ग्राम पंचायत में मतदान के दिन उस समय खलल पड़ गया जब सरपंच का चुनाव लड़ रहे धूल जी रात से ही लापता हो गया, जिसके बाद उसके समर्थकों ने पहले मतदान रुकवाने की अपील की, मगर प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश पर जैसे तैसे मतदान संपन्न हो सका। मगर शाम होते होते जब धूल जी घर नहीं लौटा तो ग्रामीणों ने मतगणना नहीं होने दी, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों को मतगणना 4 जुलाई तक स्थगित करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों के साथ ही लापता उम्मीदवार के बेटे ने एक अन्य उम्मीदवार भंवरलाल डोडियार पर अपहरण का आरोप लगाया था, जिसके बाद धूल जी के पक्ष में दिन भर सहानुभूति का माहौल बना और उसके पक्ष में जमकर वोटिंग भी ग्रामीणों ने कर दी, जिससे सरपंची पद का तगड़ा दावेदार भवन डोडियार दूसरे नंबर पर रह गया और धूल जी चुनाव जीत गया। लेकिन अब गांव में विवाद ना हो इसके लिए पुलिस फोर्स की तैनाती भी गांव में की गई है। वहीं चुनाव में हारे प्रत्याशी भंवरलाल का कहना है कि मुझ पर अपहरण का आरोप लगाकर चुनाव जीता गया है, वो कानूनी सलाह लेकर चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। तो उमेश और कालू के बीच झगड़ा हो गया था, कालू ने पत्थर मार दिया था सिर पे, तो उसका खून सर निकल गया था, तो थोड़ा ज्यादा घबरा गए, तो मैं रावटी लेके गया, तो सर रावटी गया तो सर ने भगा दिया था टीआई सर, जाओ ये तो कुछ नहीं ऐसा ही होगा, दोनों पार्टी समझौता कर लो, होता रहता है सर। मैं और ज्यादा थोड़ा हो गया कि सर प्रशासन भी साथ नहीं दिया, तो मैं रात को आया वापस यहाँ 2 बजे, तो 2-1 बजे फिर मैं खेत पे सोने गया, सोया नहीं था सर, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा ज्यादा घबरा गया था, तो मैंने सोचा कि सर मैं चला जाऊं, तो फिर मैं 4 बजे उठ के, मेरे को पता नहीं मतलब इतना हो गया था कि मैं दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैं पैदल चला गया, क्या मालूम कहाँ, फिर बिलड़ी जाके बैठा मैं गाड़ी। अच्छा, कहाँ गया वहाँ? बिलड़ी से सर ट्रेन में रतलाम।